हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड, आज हम बना रहे हैं ब्रोकली और मटर की एकदम यूनिक सी रेसिपी। अगर फ्रेंड हमारे चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल का बटन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और फ्रेंड वीडियो को फुल वॉच करें। तो देखिए, जिसके लिए हमने आधा किलो से कुछ ज़्यादा हमने ब्रोकली ली है, और 3 लिए हमने मीडियम साइज के टमाटर, और 5 से 6 6 से 7 लिए हमने हरी मिर्च और अदरक का टुकड़ा, और साथ ही ले लिए हमने आधा कटोरी मटर। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ब्रोकली की जो हार्ड डंडी होती है उसको निकाल देंगे। और जो इसमें ये पत्तियां दिखाई दे रही हैं इनको भी हम हटा देंगे फ्रेंड। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने हटा दिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि हमें जो इसमें ये डंडियां हैं इनको हमें बारीक बारीक कट कर लेनी है इस तरीके से। इन्हें भी हमें सब्जी में डाल लेनी है। और अब हम इसके बना लेंगे 2 पीस। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट को काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये ब्रोकली हमें पूरी इसी तरीके से काट लेनी है। देखिए, हमने ये काट कर पानी में डाल देंगे, जो इसमें ये मुरझाई हुई है ये निकल जाएंगी इसकी, और इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए पानी में डुबो कर रख देंगे, क्योंकि फ्रेंड ये 2 दिन पुरानी हो चुकी है ब्रोकली। और अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई जिसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और लेंगे एक दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 लौंग और इलायची, और साथ ही डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने देंगे, और साथ ही डाल देंगे इसमें हींग 1 पिंच, और इन सभी मसालों को हम भून लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, मसाले हमारे भूनकर तैयार हो गए हैं, और अब हम इसमें डाल देंगे ब्रोकली। अच्छे से पानी में से अच्छे पानी निचोड़कर ब्रोकली को हम इस मसाले में डाल देंगे, और चलाते हुए इन्हें भून लेंगे अच्छे से। तो देखिए फ्रेंड, हमने सारी ब्रोकली इसमें डाल दी है, और 2 मिनट के लिए इसको हल्का सा कुक भी कर लिया है, और साथ ही डाल देंगे इसमें मटर। मटर और ब्रोकली को हमें एक साथ भून लेना है। इनको हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, नमक पूरी सब्जी के स्वाद के अनुसार डाल देंगे फ्रेंड हम इसमें, और अच्छे से इसको मिला देंगे। नमक डालने से फ्रेंड ये जल्दी पक जाएंगी, इसलिए हमने इसमें नमक डाल दिया है। आप फ्रेंड फिर इसको ढककर पकाएंगे, और आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिए, ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरीके से बनी हुई ब्रोकली। तो देखिए फ्रेंड, ये हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे और चलाते रहेंगे। हमें ये जब तक भूननी है जब तक ये हल्की सी कुक ना हो जाए, हमें ये सॉफ्ट ना दिखाई देने लगे। तो देखिए फ्रेंड, ये सॉफ्ट हो चुकी है, हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है। और अब हम इसमें डालना शुरू करते हैं मसाले, जिसमें लेंगे हम 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर,
दो चम्मच, और ये लेंगे हम कलर वाली लाल मिर्च दो चम्मच, और अच्छे से इनको मिला देंगे। क्योंकि फ्रेंड इसमें हम तीखेपन के लिए ग्रीन हरी मिर्च डालेंगे। और अच्छे से सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे। अब हमें इसमें नमक नहीं डालना है, हमने नमक इसमें शुरू में ही डाल दिया था फ्रेंड। मसालों को हल्के से हमें भून लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड, मसाले हमारे इस टाइम भून कर तैयार हो गया। और अब इसमें डालते हैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक। अब हमें इन्हें अच्छे से मिला देना है। सब्जी को हमें तली से अच्छे से चलाना है ताकि ये तली में लगे ना, और गैस को हमें लो फ्लेम पर रखना है। और अब हम इसे ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे 4-5 मिनट के लिए। तो देखिए फ्रेंड, हमने गैस को लो फ्लेम पर रखा हुआ है इस टाइम भी। तो जो फ्रेंड इसमें भाप का पानी निकलता है वो हम इसी सब्जी में डाल देंगे जो भाप बनती है। और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और चेक करते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ब्रोकली मटर की सब्जी आप भी इस तरीके से बनाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, अब हम गैस को कर देंगे ऑफ। और अब हम निकाल लेते हैं एक कटोरी में, एक बाउल में, आपको दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अब हम निकाल लेंगे बाउल में। और अगर ये ब्रोकली की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो देखिए फ्रेंड, ब्रोकली की सब्जी हमारी एकदम बनकर, परफेक्टली बनकर तैयार हुई है। आप भी एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। ये टेस्ट में बिल्कुल अच्छी लग, इस तरीके से बनाने में बिल्कुल अच्छी लगती है। और आप इसे पराठे, पूरी या चावल के साथ इंजॉय करिए। और हाँ फ्रेंड, हमारे चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी करिए।